चलिए स्टार्ट करते हैं. सुनिए, अपना इनिशियल पार्ट हैज बीन ऑल डन. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद ओनली द क्वेश्चंस एंड नथिंग एल्स. ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं. दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दीज आर इजी क्वेश्चंस. ओके सुनो. अच्छा, नाउ जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, देखो बस अपना कॉस्ट शीट का इन ऑल, अगर सपोज मैं कॉस्टिंग इन इंडिया का बात कर लेता हूँ, तो अपना कॉस्टिंग इन इंडिया का इन ऑल जो अपना कॉस्ट शीट है उसका तीन पार्ट्स हो सकता है. तीन पार्ट्स, शुरू में वी आर ट्राइंग टू डील विद दोज थिंग्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. WIP स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? ओनली दैट क्वांटिटी विच इज सोल्ड. हम लोगों ने इतना कर लिया था, ठीक है. ये मैं तुम लोगों को आज क्यों रिकैप दे रहा हूँ? ओनली बिकॉज ऑफ वन स्मॉल रीजन. आप लोगों ने जब कॉस्ट शीट का कल फॉर्मेट बनाया था, एक टोटल का कॉलम था, एक पर यूनिट का कॉलम था. तो टोटल का कॉलम आप लोगों को क्वेश्चन के ना यूजली दे देंगे, पर यूनिट लाने के लिए कॉमन सेंस है कि सर सोच लेते हैं ये वाला खर्चा किस चीज़ के लिए हुआ है. एग्जाम्पल, अगर ये डायरेक्ट मटीरियल होगा तो उसका पर यूनिट लाने के लिए इन दिस केस यू विल बी डिवाइडिंग बाई क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP. ओके, जो भी आप लोगों ने कल ब्रैकेट के अंदर लिखा था वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सेम थिंग डायरेक्ट लेबर होगा, ये वाला फिगर तुम लोगों को दिया रहेगा. पर यूनिट लाने के लिए यू विल डिवाइड बाई वॉट ईयर? क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. सेम थिंग फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसिस ऑल्सो. ओके, उसके बाद एक प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. सेम थिंग इन दिस केस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑल्सो. ओके, तो ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स. सो पर यूनिट लाने के लिए देर इज नथिंग न्यू फॉर मी टू टेल यू. ओके, एवरी कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर सम क्वांटिटी फॉर वॉट एवर यू आर इनकरिंग इट डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को जरा बोलो, इस चीज के बाद WIP स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा. ओके, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर अगर इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हो तो फिर आप इसको क्या बोल देते हो? नेट फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, कैन वी से जो भी खर्चा यहाँ तक बचता है इट्स ओनली द खर्चा दैट इज इनकर्ड फॉर, बोलो मेरे को, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. तो जब तुम्हारे पास ये वाला फिगर आएगा, ओनली डिवाइड बाय विच क्वांटिटी? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. जब SND आ जाएगा दैट टाइम ओनली डिवाइड बाय विच पर्टिकुलर क्वांटिटी? क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. ओके, जो कल तीन ब्रैकेट्स वो मारा था दैट विल टेल यू कि किससे डिवाइड करके आंसर लेकर आएंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक में. आ जाओ, बी ऑन टाइम. चलो सुनो. फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स. ठीक है. अच्छा, इस चैप्टर का एक डिस्क्लेमर, इस चैप्टर के अंदर वी आर ओनली डीलिंग विद दोज कंपनीज दैट हैव वन सिंगल प्रोडक्ट. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू डील विद अ कंपनी दैट हैज मोर देन वन प्रोडक्ट ऑल्सो. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हर एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाएगा. प्रोडक्ट का जो नाम है इस क्वेश्चन के अंदर बॉस क्या है? एक्स. आगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 48,000, डायरेक्ट वेजेस 40,000, वर्क्स ऑन कॉस्ट, उसका मतलब ही आगे दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन 3,200, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स 1,20,000, स्टॉक ऑन 1/4/2015, ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ WIP ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का उन्होंने आप लोगों को क्वांटिटी भी दिया हुआ है. फिर आगे, स्टॉक ऑन 31/03/2016 ऑफ रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स. एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज 0.40 पर क्विंटल. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 25,600 क्विंटल्स ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस्ड. प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑल्सो शो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स इफ कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज एंड लीफो मेथड. वो देख लेंगे बाद में. सुनो, जब भी मैं कॉस्ट शीट स्टार्ट करता हूँ मेरे को तुम लोगों से चार चीज़ें चाहिए, वरना मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकता. वो चार चीज़ें कौन सी हैं? इमेजिन करो आप लोग सपोज अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ फिनिश गुड्स का ही डेटा आता है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स.
फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से इस साल के अंदर जितना भी यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाया वो आ जाएगा. सो देयरफॉर यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. ओके, तुम लोग इसके बदले में यू विल बी राइटिंग फैक्ट्री कॉस्ट अगर अमाउंट लिखोगे. मेरे को सिर्फ क्वांटिटी के अंदर इंटरेस्ट है. उसके बाद यहाँ पर सेल्स आ जाता है. सेल्स के बदले में बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. मैं पूरा अकाउंट बना रहा हूँ बट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज. ओके, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे लास्ट बैलेंसिंग फिगर बेटा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ये है शुरू में इतना था, ये है और कितना बनाया, ये है सर इतना बेच दिया. ओके, तो ये है इतना अपने पास पड़ा हुआ है बस. ओके, तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा इमेजिन कर लेने का ये चार चीज़ें, कोई भी एक मिसिंग फिगर होगा उसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल लेना. ठीक है, अब मेरे को सिर्फ क्वांटिटीज बताना सम पढ़ के. मेरे को जरा बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वांटिटी के अंदर कितना है. 1600. ठीक है, मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है. 3200. अभी सम पढ़ के आराम से मेरे को बोलो आपके पास क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है कि क्वांटिटी सोल्ड है. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है कि क्वांटिटी सोल्ड है, बोलो. प्रोड्यूस्ड वो कितना है बॉस, 25,600. तो कैन वी से यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड विल बिकम बैलेंसिंग फिगर नो इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, तो क्वांटिटी सोल्ड तो कैलसी निकालो. कितना आ जाएगा, 24,000 क्विंटल्स. ठीक है, तो मेरे को आप लोगों से हमेशा ये चारों चीज़ों की ज़रूरत है. अगर चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग फिगर होएगा कंप्यूट दैट थिंग एज ए बैलेंसिंग फिगर. बस ये वाला जो चीज़ है ना, आप लोग एक वर्किंग नोट के तौर पे हमेशा तो वो बनाना, लेकिन ऐसा वर्किंग नोट वो मत बनाना, तो स्टेटमेंट के अंदर ही बनाना. एग्जाम्पल, इफ दिस हैज़ टू बी बैलेंसिंग फिगर, कैन वी से इट विल बी नथिंग बट दिस प्लस दिस माइनस दिस, दैट विल बी नथिंग बट क्वांटिटी सोल्ड ना यार. ओके, तो वर्किंग नोट कुछ ऐसा बनाएंगे. ओके, तो एक काम जरा करो, यू विल गिव द हेडिंग टू क्वेश्चन नंबर वन इन योर नोटबुक्स. लिखो लिखो कॉस्ट शीट फॉर cost sheet for the year ended. cost sheet for the year ended. बस आगे ना यहाँ पे year नहीं दिया हुआ, so I guess we'll leave that particular part. next line पे दो चीजें लिखा करो right now. quantity produced of finished goods. ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड क्विंटल्स. नेक्स्ट टाइम पे लिखो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. सो ये पूरा पेज तुम्हारा कॉस्ट शीट में जाएगा. नेक्स्ट पेज पे जाओ, लिखो वर्किंग नोट वन. तो वी आर मेकिंग वर्किंग नोट फॉर फाइंडिंग आउट क्वांटिटी सोल्ड. ओके, तो वर्किंग नोट वन का हेडिंग दो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. उसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट एंड लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. राइट हैंड साइड पे 1600 क्विंटल्स. नेक्स्ट एंड पे एड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. राइट हैंड साइड 25,600 क्विंटल्स. नेक्स्ट एंड बिल्कुल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. राइट हैंड साइड भी 3,200 क्विंटल्स. तो नेक्स्ट हैंड पे 24,000 क्विंटल्स. दैट्स योर आंसर.
चलो अपना फर्स्ट पेज पे आ जाओ वापस, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, टोटल पर यूनिट, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखना बाय डिफॉल्ट, मेरे को बोलो तुम लोग इस वक्त किधर बैठे हो? इंडिया। सो बाय डिफॉल्ट यू आर ट्राइंग टू ऑलवेज मेक अ कॉस्ट शीट इन इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया वाला कॉस्ट शीट बनाना होगा, सम आपको कुछ ना कुछ बता देगा कि भाई आउटसाइड इंडिया है ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे मैं बोलो इन इंडिया आउटसाइड इंडिया के ना फर्क क्या होता है? तो एडमिन का फर्क होता है, यहाँ ऊपर आता है, अगर आउटसाइड इंडिया हो जाएगा तो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे लिखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इनर कॉलम ओपनिंग स्टॉक इन दिस केस ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे को बताओ कितना लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपीज का है? 8,000। उसके बाद परचेजेस जो है कितने रुपीस का है? 48,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपीस का है ढूंढो? 6,800। अच्छा तो मैं क्या बोलता हूँ, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड जो आप लोगों ने टाइटल दिया था, मेरे को जरा बोलो क्लोजिंग स्टॉक कौन सी डेट का था? ये जो स्टॉक्स दिए हुए हैं पहले वाले तीन ओपनिंग स्टॉक्स होंगे, नीचे वाले तीन जो होंगे वो क्लोजिंग स्टॉक होंगे। तो कहीं से दिस वॉज फॉर द कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016। नो ऊपर हेडिंग दे दो फॉर द ईयर एंडेड, आगे लिख देना 31st of March 2016। चलो 8 + 48 + 68 - 6800 कैलसी लो, कंप्यूट करो, कई चीजें ट्राई कर लिया करो कि कॉस्ट शीट की कैलकुलेशंस खुद ब खुद कर लो, कैलसी की जरूरत ना पड़े। चलो सुनो पर यूनिट बाद में देख लेते हैं, वो इकट्ठा करेंगे। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, अभी लिखो डायरेक्ट लेबर, इसको आप लोग डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट लेबर जो है बेटा कितने रुपीज का है? 40,000। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूजली क्वेश्चन के अंदर नहीं होता, मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी बोला था अगर होगा सम विल से, बाय डिफॉल्ट कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता। तो ये टोटल जो है प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा? 89,200 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स
फैक्ट्री ओवर हेड्स क्वेश्चन के ना पढ़ो कितने का दिया हुआ है 16,800 टोटल अप कर लेना मेरे को बोलो इस टोटल को अगर लिखने का होगा तो क्या लिख सकते हो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ मेरे को बोलो ऑल दीज फिगर्स आर इनकर्ड फॉर मेरे को बोलो ऑल दीज फिगर्स आर इनकर्ड फॉर विच क्वांटिटी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP अभी सम जरा देखो आपके पास क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स तो पड़ा हुआ है सर 25,600 लेकिन ना ये तुम्हारे इस चैप्टर का डिसएडवांटेज है ये अराउंड 15 चैप्टर के बाद ये वाला डिसएडवांटेज वो निकल जाएगा कि दे विल नॉट गिव यू इन दिस केस क्वांटिटी ऑफ WIP अगर देखोगे भी सम के ना आपके पास WIP के अमाउंट्स हैं आपके पास WIP का क्या नहीं है क्वांटिटी ओके तो अभी इस क्वेश्चन के ना अपना एक मजबूरी रह ही जाएगा Truly speaking, all these figures should be divided by quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP. लेकिन question की गलती है कि वो लोग अपने को WIP का quantity नहीं देते तो मजबूरी के अंदर we will only divide by quantity produced of finished goods. हम लोग शायद जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं लेकिन ठीक करने के लिए जो information चाहिए वो है भी नहीं okay? तो इसके लिए that mistake will be there in our answer. Okay? तो एक काम जरा करो All these figures, please divide by 25,600. That is quantity produced of finished goods. So, calci le lo. 49,200 divided by 25,600. Meko per unit batate rehna, please. 1.92. Next wala 1.56. Ek bar meri taraf dekho, ek bar meri taraf dekho. ये शायद 1.92 एग्जैक्ट नहीं था आप लोगों ने 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ किया करेक्ट नो ये 1.56 भी शायद एग्जैक्ट फिगर नहीं थी तुम लोगों ने राउंड ऑफ किया तो दो राउंडेड ऑफ फिगर्स को ऐड करने से अच्छा अगर फिर से डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन निकल जाएगा ओके तो फिर से डिवाइड करो कभी कभी 0.01 वगैरह का फर्क पड़ जाता है 3.48 और तो अगर यहाँ पे दोनों चीज़ों को ऐड करते हो तो भी अप्रॉक्सीमेटली आंसर वही आता है अच्छा तो 25,600 से डिवाइड करो 0.66 106,000 को भी डिवाइड करो कितना 4.14 ये जो भी अभी तक लिखा ना ये सारे के ऊपर एक एस्ट्रिक डालो और टेरेस पर एक एस्ट्रिक डालो हमारी बुक के ऊपर वाला हिस्से को मैं टेरेस बोलता है ओके तो टेरेस पर एक हिस्सा डालो क्या बोल रहा हूँ टेरेस पर एक एस्ट्रिक डालो और लिखो उधर टू अराइव एट दीज फिगर्स कॉमा वी शुड To arrive at these figures, we should actually divide by 'quantity produced of finished goods plus 'quantity produced of WIP. लास्ट लाइन थोड़ा छोटा छोटा लिखना क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ WIP फुल स्टॉप एज WIP क्वांटिटी इज नॉट देयर कॉमा वी ओनली डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स
आगे चलते हैं, सुनो। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, तुम्हारा कॉस्ट शीट का तीन हिस्सा आएगा और तीन हिस्सों को सेपरेट करने के लिए बीच में स्टॉक्स एडजस्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। ओके, लेकिन उससे पहले अपने को यहाँ पर स्टॉक्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो लिखो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी। तो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी 1920 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी 6420 है, नेट अमाउंट निकाल लो, दिस इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये 6400 था, सॉरी ये 6400 था ना, एक सॉरी 101520। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो अगर मेरे को कभी इसका पर यूनिट चाहिए तो बेटा दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, सम को मेरे को डब्ल्यू आई पी के ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी देना चाहिए था, उसी फिगर से डिवाइड करेगा ना यार। तो सम के ना डब्ल्यू आई पी का क्वांटिटी नहीं है, आप लोग इधर डैश डाल दो, आई एम नॉट सेइंग इट इज जीरो, जस्ट डैश डाल दो, वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकता। सेम वे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी का, दीज आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ऑन अ सर्टन डे, I cannot divide them by quantity produced of finished goods for the entire year, quantity sold of finished goods for the entire year. They should have been divided by opening stock of WIP का quantity, closing stock of WIP का quantity. Obviously वो वाला चीज़ें अपने पास है ही नहीं, तो इधर भी डैश डाल दो। अच्छा, now you are entering second part of this particular cost sheet. This is net factory cost. क्या इसे WIP का खर्चा जो भी था वो निकल गया, तो क्या इसे this is the cost that is only incurred for, बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, कहने से वो 25600 ही है ना। ओके, 101520 लो कैलसी के ऊपर, डिवाइडेड बाई 25600 कितना आ जाएगा, 3.97975 है क्या, ठीक है 97। अच्छा मेरे को एक चीज सोच समझ के बोलना, गलत मत बोलना मेरे को, जरा बोलो इधर एस्ट्रिक आएगा क्या जो आप लोगों ने पहले मारा, जो ऊपर वाले एस्ट्रिक मारे वो इधर भी एस्ट्रिक वो मरवाऊं कि नहीं मरवाऊं, नहीं, क्यों, वैसे भी ऑल दीज फिगर्स हैव टू बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ फिनिश गुड्स नो, इससे पहला वाला फिगर्स वर इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ फिनिश गुड्स प्लस डब्ल्यू आई पी, लेकिन डब्ल्यू आई पी का क्वांटिटी नहीं था, वी ओनली डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे अगर डब्ल्यू आई पी का क्वांटिटी होता भी, यू हैव रीच सेकंड पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट शीट यार, तो वैसे भी यू विल डिवाइड बाय विच पर्टिकुलर फिगर, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स होनी, ठीक है, सो वी आर ऑल करेक्ट होनी। उसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कितना दिया हुआ है, 3200। मेरे को बोलो तुम लोग इस वक्त किधर बैठा हुआ है, इंडिया, तो ऑब्वियसली दिस विल बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, आगे बोलो, प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, कैंसिल हो 3200 डिवाइडेड बाय 25600। कितना आ जाएगा, 0.125, 0.13 ले लेते हैं, चलो। अच्छा, दिस विल बी गिविंग यू सीओपी, सीओपी को कल हम लोगों ने एक और नाम भी दिया था क्योंकि इसके ना एडमिन इंक्लूड हो जाता है, तो इसको और क्या बोलते हैं, बोलो, ऑफिस कॉस्ट, लिखो इधर, अच्छा कैलसी लेना, पूरा का पूरा 25600 से डिवाइड करो,
जो भी एग्जैक्ट आंसर आता है ना, जस्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को वो एग्जैक्ट आंसर वो लिखना है, 4.09, आगे भी बोलो 0625, ठीक है, जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि एंड के ना मेरे को कुछ नंबर्स तुमको बताना है. अच्छा, एंड नाउ यू विल बी ऑलमोस्ट एबल टू एंटर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अपने को क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और फिर अपने को यहाँ पर क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. Then we will enter the last part of this particular cost sheet, that is COGS. एक काम कर लेते हैं, let's complete the format now, then we'll try to search for the numbers. उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, add S&D overheads. उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, cost of sales. उसके बाद add profit. और उसके बाद सीट्स. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो तुम्हारा कॉशिक का एंड हो जाता है इधर, चलो सुन क्वेश्चन के अंदर पहले मेरे को दो चीजें कंप्लीट करना है बिफोर वी एंटर थर्ड पार्ट ऑफ दिस कॉस्टशीट. तो सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो इन दिस पर्टिकुलर केस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो अमाउंट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जो अमाउंट है वो कितने रुपीज का है, 6400. सुनो अभी इतना तुम लोगों को खुद ब खुद समझ में आने चाहिए, सर 6400 is a stock of finished goods on the first day. We are not that stupid to divide this by quantity produced of finished goods for the entire year. We are not that stupid to divide it by quantity sold of finished goods for the entire year. But obviously we are that intelligent to divide it by. मेरे को बोलो first day आपके पास कितना units of finished goods था, 1600. बेटा ये इसी का cost है ना यार. तो यहाँ पे आप लोग लिख के रख सकते हो opening stock of finished goods, यहाँ पे bracket में habit रखा करो 1600 क्विंटल्स, और क्लोजिंग स्टॉक भी उसका क्वांटिटी यहां पे लिख के रख सकते हो 6400 है प्लीज डिवाइडेड बाय 1600, तो यहां पे पर यूनिट कितना आ जाएगा, 4 रुपीज. अच्छा सुनो मेरी बात, देखो हम लोगों ने कल चलो एक चीज तो किया था, अभी उसका इम्प्लीकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा. मेरे को जरा बोलो फिनिश गुड स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, बराबर मेरे को बोलो कॉस्ट के अंदर, पहले मेरे को गिन के बताओ कोई भी कॉस्टिंग के अंदर, अगर कॉस्टिंग इन इंडिया है तो कितने कॉस्ट आ सकते हैं, मेरे को गिन के बताओ, 5 नाम बताओ, डीएम, डीएल, डीई, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिन. मैडम बात क्या करो, हाँ डीएम, DL, DE, factory overheads and admin overheads. Madam, you are sitting in the class, no? You should participate in the class, no? So, in this particular case, अभी यहाँ पर ये जो तुम्हारा closing stock है, this will get valued at cost. Cost के ना वो वाले 4 cost आएंगे. चलो इस question के ना क्या नहीं है, direct expenses. जरा एक बार सोच लेना, ये जो तुम लोगों ने cost ऊपर लिखा, कैन यू से दिस कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल दोस कॉस्ट ना यार, उसी कॉस्ट का तो टोटल मारा तो ये वाला फिगर आया, ठीक है. तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, ऑफिस कॉस्ट, ओके, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों का मतलब वही है, ओके. इन दिस पर्टिकुलर केस अभी यहां पर ध्यान से सुनना मैं तुमको क्या बोलता हूं, वैसे तो ये भी ऑफिस कॉस्ट है, ये भी ऑफिस कॉस्ट है, दोनों के ना एक फर्क है, ओके. फर्क बस इतना ही है, दिस इज ऑफिस कॉस्ट ऑफ करंट ईयर, आगे बोलो दिस इज ऑफिस कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर. नाउ वेदर इट विल गेट वैल्यूड एट 4 और इट विल गेट वैल्यूड एट 4.09, दैट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मेथड दैट यू फॉलो, ओके. सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस अभी यू हैव चॉइस ऑफ 3 मेथड्स, ईदर फीफो और लीफो और वेटेड एवरेज. तो एक मिनट, तुमको जो मेथड फॉलो करना है वो तुमको यहीं से तो वो बता देता हूँ, ओके. सपोज
अगर कोई ऐसा बोलता है सर लेट्स ट्राई टू फॉलो फीफो मेथड, तो एक सेकेंड ये थोड़ा सा छोटा करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें तुमको यहीं से बता दूंगा, तो सुनो। इन दिस केस अभी कुछ ऐसा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ऑफिस कॉस्ट कितने रुपीज़ का था बेटा, 4। ओके, उसके बाद जो करंट ईयर के ना प्रोडक्शन किया उसका कॉस्ट कितना था, 4.090625। अब यू वॉन्ट टू फॉलो विच मेथड, तो यू टेल मी दैट फर्स्ट, यू वॉन्ट टू फॉलो विच मेथड, फीफो। चलो ठीक है, अगर फीफो मेथड फॉलो करने का है तो जो दुनिया में पहले आता है वो दुनिया से पहले जाएगा। ओके, तो कैन वी से ये जो गुड्स बिके 24,000 इसका दो पार्ट होएगा, बोलो क्या दो पार्ट होएगा, इसके अंदर से आगे कुछ बोलो, 1600 ओपनिंग स्टॉक वाला पार्ट होएगा, आगे भी बोलो, और जो बच गया क्या बच गया बेटा, 22,400 वो इसके अंदर से होएगा, समझ में आता है। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो तुम्हारा 1600 वाला चीज है इसका बेटा कॉस्ट कितने रुपीस का है डेबिट साइड पे, 4, और इसका जो कॉस्ट है कितना है, 4.090625। अच्छा, कहने से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो सारा का सारा इसी के अंदर से हो जाएगा ना यार। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली 25,600 के अंदर से कितना यूनिट्स बिक गया है, 22,400। ओके, और जो भी हिस्सा तुम्हारा बच गया है वो 3,200 ही है ना यार, तो ऑब्वियसली 3,200 इज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, सो 3,200 विल गेट वैल्यूड एट, बोलो मेरे को, 4.090625। बस योर जॉब इज ऑल टुगेदर डन ओवर हियर, तो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 4.090625। ओके, तो अभी अपनी कॉस्ट शीट में आ जाओ वापस, यहां पे अभी जरा लिखूं, 4.090625। इंटू 3200 मारो, 13090। अच्छा सुनो, अच्छा ध्यान से सुनो, मैं तुमको क्या बोलता हूँ, देखो फीफो मेथड फॉलो करते हो नेक्स्ट टाइम, एक एडवांटेज भी बोल सकता हूँ, यही वाला फिगर इधर कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ करंट ईयर ओनली, देयरफॉर इट विल गेट वैल्यूड एट करंट ईयर का कॉस्ट। ओके, सो देयरफॉर व्हाट यू ऑल कैन डू फॉर फ्यूचर, अगर फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो तो सर ये नंबर इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे, इंटू 3200 कर देंगे, तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी पहले एक काम जरा करो, दिस फिगर प्लस दिस फिगर माइनस दिस फिगर का आंसर निकालो पहले। अभी ये जो 98030 है, अब कल यूज करना, अभी एक बार 98030 क्या है, जोर से चिल्ला के बोलो। ओके, सेकेंड टाइम एक और बार बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थर्ड टाइम एक बोलो, कितना यूनिट्स आर सोल्ड, 24,000। तो कहने से दिस इज द कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट्स तो आपको इधर से भी मिल सकता था, सर हम लोगों ने 24,000 यूनिट्स बेचा है, उसके अंदर से 1600 यूनिट्स का कॉस्ट कितना था, 4, मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो 6400 आ जाएगा। ओके, प्लस जो भी 22,400 यूनिट्स बेचे उसका कॉस्ट कितना था, 4.090625, कैलसी लो, 22,400 इंटू 4.090625, जो भी आंसर आएगा ये हो गया कितना यूनिट्स का कॉस्ट, 22,400 प्लस 1600 यूनिट का कॉस्ट कितना था, 6,400 उसके ना ऐड करो, 98030 आ जाएगा। ओके, तो इन एनी पर्टिकुलर केस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, वैसे भी मिल जाता है। ओके, बट वी आर गोइंग टू बी अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर वे, आप लोग क्लोजिंग स्टॉक पहले, तुमको समझा जो मैंने किया, समझ गया जो मैंने किया, हाँ, ऑल्दो वट यू आर गोइंग टू बी डूइंग इज वट एवर वी ऑल डिड द फर्स्ट टाइम, आप लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल देना एंड कैलकुलेट COGS एज अ बैलेंसिंग फिगर, वरना COGS का सिंपल मतलब है जो भी यूनिट्स बेचा उसका कॉस्ट, तो देख लो जो भी यूनिट्स बेचा उसका कॉस्ट कितने रुपीज का आएगा। ठीक है, अच्छा, कैन वी से यू हैव एंटर थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट नाउ, इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट कैन वी से एवरीथिंग गेट्स इनकर्ड फॉर
क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, तो 98030 लो, मेरे को वैसे भी जरा बोलो 98030 इज अ कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट्स, 24,000, नो तो डिवाइडेड बाय 24,000 करो, बोलो 4. अभी अगर 3 डेसिमल्स या 2 डेसिमल्स तक बोलोगे आई एम फाइन, तो 4.085, चलो ठीक है. सुन, तुमको इतना खुद ब खुद समझ में आना चाहिए आफ्टर रीचिंग सी ए इंटर. 1600 यूनिट का कॉस्ट कितना था 4, 22,400 यूनिट का कॉस्ट कितना था 4.090625. तो ये जो एवरेज कॉस्ट आएगा किधर ना किधर ये दोनों चीजों के बीच में ही रहेगा, क्योंकि दैट विल बी नथिंग बट द ओवरऑल कॉस्ट नो, तो ओवरऑल कॉस्ट किधर ना किधर इस फिगर के बीच में ही आएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली 24,000 यूनिट्स का ही कॉस्ट यार वो निकाल रहे हैं ना. ओके चलो, ये वाला तुम्हारा काम हो गया, ठीक है. अभी आगे जरा पढ़ो सम के अंदर, SND चाहिए. अभी सम के नजर आ देखो, SND के बारे में एक लाइन है नीचे, एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज, आगे पढ़ो क्या लिखा है, 0.4 पर क्विंटल. जरा याद करो, कल को अपने को डिस्काउंट अलाउड के लिए सर दो ऑप्शन थे, डिस्काउंट अलाउड के लिए दो ऑप्शन क्या थे, या फिर उसको ये ट्रीट करेंगे या फिर ये ट्रीट करेंगे, ये और ये बोलो, या फाइनेंशियल या फिर SND. अभी डिस्काउंट अलाउड को बेटा एडवर्टाइजमेंट के साथ मर्ज करके रखा हुआ है ना, तो मतलब वो SND ही होएगा, मैं अलग अलग तो नहीं कर सकता, अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. ओके तो इन एनी केस ये सारा का सारा एक्सपेंस तुम्हारा SND एक्सपेंस ही है. ओके तो यहाँ पे पर यूनिट दिया हुआ है 0.4, लिखो उधर 0.4, मेरे को बोलो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस के क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड, सो देयरफॉर क्वांटिटी सोल्ड बेटा कितना था 24,000, उससे मल्टीप्लाई करके 9,600 आ जाएगा. एड अप करो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचो, कितना आ जाता है 1,07,630. दिस विल बी 4.485. आगे सेल्स क्वेश्चन क्या है जरा चेक करो, सेल्स कितने रुपीज का था 1,20,000. अच्छा डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड फर्स्ट 5 rupees. ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रोडक्ट गेट्स सोल्ड एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 5. बेटा ये सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन का, 1,20,000 रुपया का सेल्स किया 24,000 यूनिट बेच के, तो डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली तुम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है. ये प्रॉफिट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, 12,000 कितना आता है बॉस, 370. और लास्ट वाला फिगर कितना आ जाएगा 0.55. सो दिस पार्ट इज डन, अभी आगे चलेंगे. उन लोगों ने अपने को सम के एंड में क्या बोला है कि ऑल्सो शो द वैल्यूएशन बेस्ड अपॉन लीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज. उससे पहले एक काम जरा करो, नीचे पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ओके वहां पे एक दो चीजें जरा लिख के रखो, लिखो लिखो टिल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. पॉइंट नंबर 1 देके स्टार्ट करना, टिल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कॉमा वी शुड डिवाइड बाय
क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP in most of the problems WIP quantity will not be given. Full stop. Therefore, we will divide by quantity produced. Of finished goods. Second, by default we follow costing in India. Third, by default we follow FIFO method. Fourth, LIFO and weighted average method. Are only to be used if mentioned in the problem. अभी के लिए रुक जाओ, कुछ और आएगा, विल एड इट ओवर हियर ओनली. ओके सर, अभी अगर सपोज मेरे को समय ऐसा बोलता कि सर डोंट फॉलो फीफो मेथड, लेट्स फॉलो लीफो मेथड, तो चलो ठीक है. तो मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, एक तो मेरे को सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा. ओके, राइट हैंड साइड अभी हर मेथड के हिसाब से बदलता रहेगा. ओके, तो अब ज़रा सोचो, इफ वी आर आस्क्ड कि यहाँ पर लीफो मेथड फॉलो करने का. ओके, तो पहले मेरे को बोलो लीफो मेथड का फुल फॉर्म. जो दुनिया में बाद में आता है वो दुनिया से पहले जाता है, ठीक है. तो अब मेरे को ज़रा सोच समझ के एक बार ज़रा बोलना, अगर मैं लीफो मेथड फॉलो करूँगा 24,000 का ब्रेकअप क्या होएगा? लीफो मेथड फॉलो करूँगा तो लीफो लीफो मेरे को बोलो, लीफो मेथड होएगा तो 24,000 का ब्रेकअप क्या होएगा? सर उसका ब्रेकअप ही नहीं होएगा, सारा का सारा 24,000 किसके अंदर से हो जाएगा? 25,600. तो कैन वी से इसका कॉस्ट तो कितने रुपीज़ का हो जाएगा? 4.090625. लेकिन सर उसका ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन अभी इसका ब्रेकअप तो होएगा. आगे बोलो, इसका एक ओपनिंग स्टॉक वाला पार्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़, और बाकी 1600 किसके अंदर से आ जाएगा? करंट ईयर के अंदर से. समझ में आता है? सो देयरफॉर 4.090625, बस दिस विल बी योर फर्स्ट फिगर, दिस विल बी योर सेकंड फिगर, एड अप करके 3200 यूनिट्स का वैल्यू मिल जाएगा. सब लोगों को समझ में आता है? दिस विल बी विच पर्टिकुलर मेथड? लीफो मेथड. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला मेथड, ठीक है. लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है सर वेटेड एवरेज भी अभी वो कर ही दो, तो चलो ठीक है, वेटेड एवरेज भी कर देते हैं. लेकिन वेटेड एवरेज के अंदर आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ता है, यू हैव टू कंप्यूट समथिंग कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट. ओके, तो अब जरा सोचो, 1600 × 4, तुम लोगों ने तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर भी लिखा हुआ है 6400, 25,600 × 4.090625. पागलों की तरह कैलसी पर कंप्यूट नहीं करते, तुम लोगों ने तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर लिखा ही था बेटा 104720. ओके, सो देयरफॉर ये हो गया ये वाला फिगर. अगर कोई मेरे को ये चीज़ बोलता है सर वेटेड एवरेज निकाल के दो, तो चलो ठीक है, वेटेड एवरेज कैसे मिल जाता है? अमाउंट का टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का टोटल. अभी कैलसी का काम आया, कैलसी यूज करो. तो दिस इज 27200 का क्वांटिटी. आगे यहां पे मेरे को जरा बोलो 1 1 1 1 2 0, ठीक है. बस अभी क्या करना, इस फिगर को इस क्वांटिटी से डिवाइड करो, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट. मेरे को एग्जैक्ट, मेरे को 3 डेसिमल्स आपको बोलो ना, 4.08.
085 बस माई जॉब इज ऑल टुगेदर डन. जब आप वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हो हम लोग क्या सोच लेते हैं, सर लेट्स क्लब ओपनिंग स्टॉक एंड इन दिस पर्टिकुलर केस लेट्स क्लब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और फिनिश गुड्स ओवर हियर, बस काम खत्म हो गया. ओके तो ये जो उसके बाद तुम लोग को मिलता है, अभी मैं तुमको डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इसको और इसको अभी देखने की ज़रूरत ही नहीं है. तुम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हो, सर हम लोगों ने ओवरऑल कितना यूनिट्स बनाया, 27,200 और अपना ओवरऑल कॉस्ट कितने रुपीज़ का लग गया, 4.085. अभी इसके बाद देर इज़ नो डिफरेंस ओनली, देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक, देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्शन, जो भी है उस चीज़ का रेट कितना है, 4.085. तो ऑब्वियसली दिस विल गेट वैल्यूड एट वट पर्टिकुलर रेट, 4.085. इस चीज़ का भी कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4.085. कैलसी लो 4.085 इंटू 3,200. This will be nothing but closing stock of finished goods as per which particular method, weighted average. Okay. तो अगर weighted average method आएगा आपको ये वाला calculation करना पड़ेगा. ठीक है, by default we follow which particular method? FIFO. अगर कोई और method वो बोल दिया, do the workings like this, try to arrive at the answer. सबको समझ में आ गया? चलो अभी एक काम जरा करो, जिधर वो लिखा हुआ है कि also show weighted average in LIFO method, okay, वहाँ पे आगे लिख सकते हो refer page number, वो मैंने पीछे बना के whatever I explained you, I've just printed it behind. Refer page number. और एक बार 22.1 पे आके इस क्वेश्चन का रेफरेंस दे दो. 22.1 पे आओ. वहां पे ऊपर लिख देना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.4 ना, पेज नंबर 1.4. चल ठीक है, अपना एक क्वेश्चन हो गया, अभी एक और क्वेश्चन मैं करूंगा, देन यू विल ऑल्सो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ. अच्छा मेरे को एक चीज जरा बोलो, एग्जाम किसको देना है, मेरे को कि तुमको? हाँ तो इसलिए यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके डोंट वेट फॉर मी टू बी सॉल्विंग, यू कैन गो अहेड, यू कैन सॉल्व द एंटायर बुक ऑल्सो, दैट्स ओके फॉर मी. क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, तुम लोग पढ़ो. अ कंपनी गिव्स द फॉलोइंग डेटा फॉर अ मंथ, मंथ वर्ड को अंडरलाइन करना. आगे प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 यूनिट्स, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 26,000 यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल 50,000 केजीज, परचेज एट द रेट ऑफ $2. ठीक है, डायरेक्ट लेबर 40,000 आवर्स, पेड एट द रेट ऑफ 5 पर आवर. अच्छा इसके बाद जो भी एक्सपेंस आएगा ना, तुम लोग मेरे को आगे लिख के देना कि वो कौन सा एक्सपेंस है. तुम्हारे लिए 6 हेड्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एडमिन और S&D. किधर भी नहीं आता तो वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बन जाएगा. ठीक है, तो अब मेरे को सोच समझ के अच्छे तरीके से बोलना. फैक्ट्री रेंट, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स, तुम लोग सुबह सुबह घर से कुछ खा के आते हो? सच्ची बोलो, तुम लोग घर से कुछ खा पी के आते हो सुबह सुबह? बोलो. हाँ ठीक है, नहीं भी खा के आते, मैं भी खा के नहीं आता, मैं अच्छे तरीके से बात करता है, अच्छे तरीके से बात करना सीखो. ओके सो स्पीक अप इन द क्लास. फैक्ट्री रेंट फॉर द मंथ किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. आगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स. आगे सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री ओवरहेड्स. सैलरी टू ऑफिस की सेक्रेटरी, एडमिन ओवरहेड्स. आगे ऑफिस रेंट, एडमिन ओवरहेड्स. एडवर्टाइजमेंट, S&D. बैड डेट्स. सर टू ऑप्शंस होता है, टू ऑप्शंस, वन इज इधर फाइनेंशियल एक्सपेंस, अदर इज इधर योर S&D. सो देयरफॉर जो तुम्हारी मर्जी है कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, राइट ऑन द नोट फॉर द अदर. तो तुमको क्या मन है करने का, कुछ भी बोल दो अब मेरे को, फाइनेंशियल के S&D, कुछ भी बोलो S&D, तो लिखो फिर S&D. आगे सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन,
बोलो एसेंडी आगे स्टॉक्स एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ रॉ मटेरियल 5000 केजीज एट द रेट ऑफ 1.5 WIP 60 और फिनिश गुड्स 2000 एट द रेट ऑफ 16 पर यूनिट स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रॉ मटेरियल्स 10000 ऑफ WIP 70 और फिनिश गुड्स नहीं मालूम मेक कॉस्ट शीट अज्यूमिंग दैट कंपनी फॉलोज फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वो चीज़ अपने को नहीं भी देते तो भी बाय डिफॉल्ट हम लोग फीफो मेथड ही फॉलो करते हैं सुनो मैंने तुमको क्या बोला जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो मेरे को तुम लोगों से चार चीज़ों की जरूरत होती है मेरे को बोलो कौन सी चार चीज़ें बोलो ओपनिंग स्टॉक किस चीज़ का ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो रॉ मटेरियल भी होता है WIP भी होता है फिनिश गुड्स भी बोलो फिनिश गुड्स उसके बाद बोलो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और फिनिश गुड्स उसके बाद क्या चाहिए रहता है ऑन द क्रेडिट साइड क्वांटिटी सोल्ड ओके और लास्ट में इन दिस पर्टिकुलर केस अपने को क्या चाहिए रहता है बाय क्लोजिंग स्टॉक कौन सा क्लोजिंग स्टॉक भाई फिनिश गुड्स का अब मेरे को पहले जरा बोलो इन चारों में से कौन सा फिगर नहीं है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड टेक्स्ट बुक के अंदर ही बेटा क्वेश्चन मार्क मारा हुआ है तो अभी फिर बाकी चीजें तो बताओ मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी कितना है 2000 क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 25000 क्वांटिटी सोल्ड कितना है 26000 तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा इन दिस केस हर चीज के लिए जिंदगी में कैल्सियम मत यूज क्या करो तो ये कितना हो जाएगा 1000 ओके सो देयरफॉर दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर इसका नोट थोड़ी देर में बनाएंगे लेट अस स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट ओके लिखो जरा प्लीज मेरे को बोलो यहाँ पे कॉस्ट शीट कितने पीरियड के लिए है वन मंथ तो गिव द हेडिंग उस मंथ का नाम नहीं दिया हुआ बट दैट्स ओके लिखो क्वेश्चन नंबर टू कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडेड डैश डैश नेक्स्ट टाइम पे अभी दो चीजें लिख के रखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स 25000 यूनिट्स उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स 26000 यूनिट्स ठीक है चलो सुनो अभी इन दिस केस तुम लोग अपना कॉशी का फॉर्मेट तो बनाओ एक टोटल बना लो और एक पर यूनिट बना लो तो एक पर्टिकुलर टोटल पर यूनिट अच्छा पहले नेक्स्ट पेज पे जाओ अपना एक वर्किंग नोट वन तो कंप्लीट करो चलो पहले विल रिक्वायर अराउंड अ साइड फॉर अ कॉस्ट शीट नॉट मोर देन दैट इन बट विल रिक्वायर फुल साइड हाँ विल रिक्वायर फुल साइड ओके तो उसके बाद लिखो वर्किंग नोट वन एक मिनट हम लोग बेटा बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल रहा था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो बाकी तीन चीजें वो लिखो राइट डाउन वर्किंग नोट वन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
Working note 1, closing stock of finished goods. Next sign pe likho. Opening stock of finished goods. On right hand side, 2000. Next time pe add quantity produced of finished goods. Units. Next time pe likho less quantity sold of finished goods. Right hand side 26,000. The next time pe likho closing stock of finished goods, balancing figure jo hai 1,000. वापस आ जाओ स्टार्ट कर लेते हैं नाउ रिमेन विद मी फॉर द सम इन एनी केस नेक्स्ट सम ऑनवर्ड्स यू हैव टू बी डूइंग मेजर वर्क तो ये सम प्लीज मेरे साथ रहो चलो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिल जाता है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक अच्छा तो ओपनिंग स्टॉक टेक्सबुक के अंदर चेक करो ओपनिंग स्टॉक जो है थोड़ा छोटा छोटा वो लिखेंगे रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक बेटा कितने के जीज का है 5,000 एट द रेट ऑफ व्हाट रेट यार 1.5 इनर कॉलम 7,500 आगे परचेजेस कितना परचेज किया 50,000 के जीज At the rate of कितना bucks? 2 rupees. कितना rupees आ जाएगा? 1 lakh ना? अच्छा, फिर closing stock of raw material कितने kgs का था? 10,000. अच्छा, मेरे को कल के lecture से एक principle तो बोलो, sir in India हो, outside India हो, जो मर्जी हो, raw material stock is always valued at purchase cost. लेकिन याद रखना ये भी परचेज कॉस्ट है ये भी परचेज कॉस्ट है फर्क बस इतना ही है कि आगे बोलो वो करंट पीरियड का है वो पिछले पीरियड का है नाउ एट व्हाट रेट क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यू दैट डिपेंड्स अपॉन योर मेथड वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग व्हिच मेथड इन दिस क्वेश्चन फीफो तो मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट बोलो फीफो मेथड होएगा तो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 2 rupees opening stock consume ho gaya to opening stock chala gaya closing stock will be out of current purchases no to likho idhar 2 rupees write down अच्छा मेरे को बोलो इसको करेक्टली स्पीकिंग अपने को कौन सी फिगर से डिवाइड करना चाहिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP लेकिन ऑलमोस्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको WIP का क्वांटिटी नहीं देने वाले तो मजबूरी के अंदर यू विल ओनली डिवाइड बाय व्हिच क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स कितना था 25,000 उससे डिवाइड करो 3.5 डायरेक्ट लेबर अच्छा डायरेक्ट लेबर जो है टेक्स्ट बुक है ना चेक करो वर्कर लोगों ने कितने आवर्स काम किया बॉस
40,000 hours एट द रेट ऑफ कितना पर आर हम लोग पे करता है 5, तो ये कितने रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा 2 lakhs डिवाइड बाई क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड 25,008 rupees आ जाएगा. This will give you prime cost 287,500 divided by quantity produced, that is 11.5. Uske baad add factory overheads. अगर आपको कभी फैक्ट्री ओवरहेड्स का लिस्ट दिया रहता है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था, कीप ऑन पुटिंग ऑल द थिंग्स इन द इनर कॉलम एंड कीप एंड देन विल हैव द आउटर कॉलम. ओके, तो यहाँ पे लिख के रखो फैक्ट्री रेंट कितने रुपीस का बेटा 35,000. वैसे जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 1, 2, 3 है ना, तो एक के नीचे एक लिखो, टोटल बाहर मारो. थर्टी फाइव फोर्टी फाइव एंड टेन टोटल कितना हो जाता है 90,000 ना, डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लीज 3.6. एड अप कर देना, दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 377,500. फोर्टीन कितना था 15.1 ना, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 60,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 यूनिट्स, सॉरी रुपीज में क्या बोल रहा हूँ, यूनिट्स तो है नहीं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 367,500. मेरे को बोलो नाउ विद नेट फैक्ट्री कॉस्ट यू आर इन सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, विद नेट फैक्ट्री कॉस्ट यू आर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, सेकेंड पार्ट. सो देयरफॉर इन एनी केस यू शुड ऑलवेज डिवाइड बाय विच क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स 367,500 को 25,000 से डिवाइड करो, को बता देना कितना आता है 14.7. उसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स,
एडमिन ओवर हेड्स अंडरलाइन करो, एक के नीचे एक लिखना स्टार्ट करो, जैसे पहली लिस्ट बनाया था, लिस्ट कंप्लीट करो अभी भी। तो दो ही है ना मेरे ख्याल से, एक 40 है और एक 8000। डिवाइड बाय 25000 तो कितना आता है बेटा, 1. But your speed has to be rising. You cannot pass exam with such kind of a speed. Okay, so please buck up a bit and try to do the work. 1.92. So this is cost of production / office cost. तो एड अप करो, 4115 4155 00 पर यूनिट कितना आता है बेटा, 16.62। अच्छा सर, टाइम फॉर यू टू ऑलमोस्ट एंटर लास्ट पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट शीट, लेकिन उससे पहले तुमको फिनिश गुड्स का स्टॉक एडजस्ट करना पड़ता है। So add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods। पिछले क्वेश्चन में मैंने तुमको बोला था कि ब्रैकेट के अंदर यूनिट्स लिखेंगे तो यूनिट्स लिखेंगे, सो देयरफॉर दिस इज 2000 यूनिट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज 1000। अच्छा सुनो, टेक्स्ट बुक के अंदर जरा चेक करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वॉज वैल्यूड एट, एक नंबर बताओ मेरे को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वॉज वैल्यूड एट, एक नंबर बताओ मेरे को, कितना पर यूनिट, 16, तो इधर 16 लिख सकते हो, इनटू 2000 यूनिट मारो, 32000। अच्छा अभी एक बारी बराबर बोलना मेरे को, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, मेरे को बोलो यहां पर कौन सा नंबर लिखूं, 16.62। बाय डिफॉल्ट वी फॉलो विच मेथड, फीफो, सो देयरफॉर दिस फिगर विल बी आउट ऑफ करंट ईयर का प्रोडक्शन, नो, सो देयरफॉर इट विल गेट वैल्यूड एट 16.62। 16620 4308 80। सो एक मिनट, यू हैव रीच थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, नो, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बेटा कितना यूनिट्स बिका है आपका, 26000। ओके, तो प्लीज 26000 से डिवाइड करो, 430880 डिवाइडेड बाय 26000, 16.57। अच्छा अभी एक मिनट के लिए रुक जाना, सुनो,
एड एस एन डी ओवर हेड्स, रुको 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 रुको, तो एस एन डी ओवर हेड्स के अंदर मेरे ख्याल से एक वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है. आप लोगों ने बोला सर बैड डेट्स को इन दिस केस एस एन डी मानेंगे, ये तुम लोगों ने बोला था, मैंने नहीं बोला था, तो उसके लिए एक अपने को नोट टू तो वो लिखना पड़ेगा. वेट 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 वेट, उसके बाद एक लास्ट चीज़ भी आ जाएगी, सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन. ठीक है, एक बार ये चीज़ें इनर कॉलम में आ जाएगा, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, तीनों को ऐड अप करके इधर आ जाएगा. मेरे को बोलो पर यूनिट लाने के लिए, यू विल डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड, सोल्ड, तो तुमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स. बस तुम्हारा सम यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा, इस सम के अंदर सेल्स वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, सो देयरफॉर कॉस्ट शीट विल एंड ओवर हियर ओनली. ओके, अराउंड 50 साल पहले तक वैसे भी कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट होता था सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही वो होता था, क्योंकि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कॉस्ट. ओके, कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग कॉस्ट. ओके, तो इसलिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेल्स. अगर कभी दिया रहता है यू ऑल कैन राइट, नहीं दिया रहता दैट्स ओके, यू ऑल कैन एंड द थिंग्स ओवर हियर. ओके, खत्म करो इतना. एस एन डी का टोटल 50,000 रुपीज़ का है क्या? ठीक है, सो 50,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, बेटा कितना था, 1.9 4 8 0 8 8 0, दिस इज 18. एक वर्किंग नोट टू वो लिख लो, राइट डाउन, बैड डेट्स हैज बीन ट्रीटेड एज एस एन डी एक्सपेंस ऑल्टरनेटली इट कैन बी ट्रीटेड एज financial expense. Good job. In that case, it will be ignored from cost sheet. Chapso. Question number 1 is done. Question number 2 is done. क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग स्टार्ट करके खत्म करने वाले हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन. आई विल नॉट बी देयर फॉर इट. ओके, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3. X Limited furnishes you the following details to enable you to prepare cost sheet.
प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है. कल तुमको चार नाम लिखवाए थे फैक्ट्री ओवरहेड्स के. चार नाम क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स? आगे बोलो बोलो. फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स. ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स टर्म यूज किया हुआ है. ठीक है, मटेरियल्स परचेज्ड उधर दिया हुआ है. एडमिन ओवरहेड्स आप लोगों को दिया हुआ है. इन्वेंट्री डिटेल्स, मटेरियल WIP, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक वो लोग आपको कभी भी नहीं देने वाला है. पिछले दो क्वेश्चन के लिए भी नहीं था. द फर्म हैड ओपनिंग स्टॉक ऑफ 12,000 यूनिट्स इन ओपनिंग इन्वेंट्री. ओके, इट सोल्ड 64,000 यूनिट्स एट सेलिंग प्राइस एट प्राइस ऑफ या फिर एट द रेट ऑफ 28.5 पर यूनिट. ऑब्वियसली 28.5 को अनलाइन करके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हो सेलिंग प्राइस, वो तुम्हारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है. इट हैड 8,000 यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री. लेबर कॉस्ट इनकर अमाउंटेड टू 3,85,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंटेड टू 14,01,000. चलो ठीक है, सुनो. तो इस क्वेश्चन के ना एक चीज़ जो आप लोगों को दिया हुआ है दैट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स. यूजुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग कंप्यूट करते हैं, इस क्वेश्चन के ना कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है. तो सुनो, तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम लोग एक तो सारा का सारा सम खुद ब खुद सॉल्व करो. बस एक दो चीज़ें जो मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ. शुरू में हम लोग कोई भी अगर मिसिंग फिगर होता है वो निकालने का ट्राई करते हैं बाई मेकिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट. ओके रुको, तो यहाँ पे आ जाएगा. बोलो 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 बोलो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आगे बोलते रहो बस. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, सब लोग बात करेंगे. बाय क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, आगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अब मेरे को बताना इन चारों के में से कौन सा फिगर नहीं है. क्वेश्चन पढ़ के आराम से. आराम से संपर्क पूरा का पूरा. कौन सा क्वांटिटी नहीं है? क्वांटिटी प्रोड्यूस. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहां पर कितने यूनिट्स का है? 12,000. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बॉस कितने यूनिट्स का है? 8,000. क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का है? 64,000. तो यहां पर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आ जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर कितने रुपीज का आ जाएगा? 60,000. सबको समझ में आता है? तो जब भी तुम लोग अपना वर्किंग नोट बनाओगे, तुम लोग कुछ ऐसा वर्किंग नोट वो बनाओगे, वर्किंग नोट वन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, दैट विल बी दिस फिगर प्लस दिस फिगर माइनस दिस पर्टिकुलर फिगर विल गिव यू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. उतना हो जाएगा. ओके, उसके बाद तुम लोग उतना हो जाएगा. हाँ, उसके बाद जब तुम लोग कॉस्ट शीट स्टार्ट करेगा तो कुछ ऐसा स्टार्ट करेगा तुम लोग. ओके, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था. बस मेरे को बोलते रहना क्या क्या है तुम्हारे पास. मैं सम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे टिक्स मार रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुम्हारा सम कैसे सॉल्व होने वाला है. ओके, सम जरा पढ़ो. आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है क्या? देखते रहो बस फटाफट. हाँ, तो आई एम जस्ट पुटिंग अ टिक ओवर देयर. ओके, उसके बाद परचेजेस है. यस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है. यस, तो स्क्रीन पे जरा देखो, तुमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम यू कैन डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये वाला आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वेजेस है. यस, कितने रुपीस का है? 3,85,000. मेरे ख्याल से लास्ट के अंदर तो वो दिया हुआ है. ओके, तो ये आ जाएगा. एड अप करके क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट. उसके बाद मेरे को बोलो सम के ना फैक्ट्री ओवरहेड्स है. है 80,000 रुपीज़ का. सो देयरफॉर तुमको ये वाला चीज़ भी आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद मेरे को ज़रा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है. yes. है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है. yes. है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसका पर यूनिट तो हम लोग वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक है, तो तुमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट यू कैन डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस. ठीक है, मेरे को बोलो एडमिन ओवरहेड्स दिया हुआ है. एडमिन ओवरहेड्स दिया हुआ है. हाँ, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारा ये वाला भी काम हो जाएगा, डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, यहाँ तक पहुँच जाओगे. ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मेरे को जरा बोलो अमाउंट है. अमाउंट है, अच्छा मेरे को उसका क्वांटिटी बताओ. थोड़ी देर पहले भी तुम लोगों ने वो बताया था. बोलो 12,000 यूनिट्स. वो हम लोग इधर ब्रैकेट के अंदर मेरे ख्याल से लिखते ही हैं. ओके, तो दिस फिगर डिवाइडेड बाय 12,000 विल बी स्टार्टिंग टू गिव यू पर यूनिट वाला फिगर. ठीक है, उसके बाद ये वाला फिगर देखो, तुमको समझ में आता है? दिस फिगर विल गेट कॉपीड ओवर हियर. नो, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी बताओ.
8000, ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ पर 8000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, एक बार तुम्हारा ये वाला भी काम हो गया, बस एट दैट पर्टिकुलर टाइम योर जॉब इज ऑल ओवर. ओनली ऑलमोस्ट COGS आ जाएगा. ऑब्वियसली स्टार्ट टू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड. ओके, उसके बाद सम के ना जरा देखना, क्वेश्चन के ना S&D ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके बदले में क्वेश्चन के ना कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है. सबको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, कितने रुपीज का दिया हुआ है? 14,01,000. ओके, लास्टली सम के अंदर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितने रुपीज का? 28.5. कैलसी लो एक बार जरा, 28.5 इंटू कितना यूनिट्स बेचा है? 60,000 के 64 तो मल्टीप्लाई करो 18,24,000. तो बेटा इस कॉस्ट शीट के अंदर ना आपके दो बैलेंसिंग फिगर हो जाएंगे, एक S&D और एक आपका हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट. सबको समझ में आ गया? ओके, बस द मोमेंट यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग जॉब विल बी ऑल ओवर. दिस इज योर S&D ओवरहेड्स, दिस इज इन दिस केस योर प्रॉफिट. सो आई विल रिक्वायर टू बैलेंसिंग फिगर्स एंड आई विल रिक्वायर इन दिस केस वर्किंग नोट फॉर फाइंडिंग आउट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. सब लोगों से हो जाएगा, कितना टाइम लोगे टू सॉल्व मेरे को बोलो. एक अप्रोक्सीमेशन लेकर ही स्टार्ट करेंगे, बोलो. तुम्ही को बोलना पड़ेगा, तुम ही लोगों को सॉल्व करना है. बोलो मेरे को, तो कितना टाइम लोगे टू सॉल्व? जो अभी तुम लोग नहीं बोलता तो ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट्स हैं. यू विल स्टार्ट एंड यू विल फिनिश ऑफ द क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑल वर्किंग नोट्स एंड एवरीथिंग. और नीटली काम करने का, अच्छा काम करने का.
that working note also please make on that we all discussed. Quantity produced ke liye working note one apna banana. Tumhara abhi tak sam khatam ho jana chahiye tha. 2 minute aur de raha hu, khatam karoge. ये वाला फिगर 18 पर यूनिट आता है, ये वाला फिगर जो सीओपी है 18 आता है, ठीक है. ये वाला फिगर कितना आ जाता है 18 इनटू, ये 10 लाख 80 आता है क्या? यस 10 लाख 80. आई गेस दिस इज 17 रुपीस ओनली. ओके दिस विल बी 18. टू बैलेंसिंग फिगर्स, एक एसएनडी हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा. सिग्नल आ गया, चलो सुनो मेरी बात. आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लो, 10 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं.
चलिए सुनिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल टुगेदर डन. अभी क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सुनो, बस उधर एक ही लाइन वो लिखना है. देखो कुछ ऐसे जरा सोचो, हम लोगों ने प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट किया, ठीक है. सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए. तो हम लोगों ने क्या किया कि रॉ मटेरियल 100,000 किलो खरीदा, ठीक है. तो साल के एंड में देखा कि 10,000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल अपने पास पड़ा हुआ है. ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, तो मतलब मैंने 90,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम किया रहेगा इस पीरियड के अंदर. मैं सोच रहा था यार रॉ मटेरियल किधर किधर जा सकता है. रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड फॉर डूइंग टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? फॉर मेकिंग, आगे बोलो, फॉर मेकिंग टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? फिनिश गुड्स एंड WIP. तो मैंने देखा कि मेरा जो WIP है उसके अंदर 5,000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है. तो 5,000 तो उधर अपने को वो मिल गया, ठीक है. इसका चलो ऐसे बात कर देता हूँ. तो 5,000 किलो जो है अभी तक किधर पड़ा हुआ है? WIP. फिर मैंने पता किया फैक्ट्री से कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाया. वो लोग बोलते 16,000. 16,000 यूनिट हर एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स का जो वेट था 5 किलो था. ओके, सो देयरफॉर मतलब 80,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल किधर चला गया? फिनिश गुड्स के अंदर. तो अब जरा सोचो, 90,000 के अंदर से 5,000 इधर चला गया, 5,000 इधर चला गया, सॉरी 80,000 वो इधर चला गया. ओके, तो मेरे को जरा बोलो ये 5,000 और भी तो है, ये 5,000 किधर गया रहेगा? ये ऑब्वियसली स्क्रैप हो गया रहेगा. ओके, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट गोज इन अ मशीन माइट नॉट कम आउट इन फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट. ओके, दुनिया में वेस्टेजेस वगैरह भी तो होता ही है. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग ये वाला क्लास तो वो बनवा रहे थे, ओके, कारपेंटर लोगों ने बेंच बनाया, मैं उनको ऐसा तो नहीं बोल सकता एक टुकड़ा वुड का जमीन पे गिरा तो गोली मार देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता. ओके, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम वेस्टेजेस दैट हैपन, राइट. ओके, सो देयरफॉर दैट इज नथिंग बट योर स्क्रैप एज सच. ओके, दैट इज नथिंग बट योर स्क्रैप. ओके, तो बस एक लास्ट चीज, अगर स्क्रैप बेच के कुछ मिल सकता है, एवरीबडी विल ट्राई टू सेल यार, ताकि थोड़ा बहुत पैसा तो मिले. ओके, तो जरा सोचो 5,000 किलो ऑफ स्क्रैप जनरेट हुआ, तो मैंने स्क्रैप बेच दिया, बेच के कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा. बट दिस इज नॉट योर नॉर्मल सेल्स. नॉर्मल सेल्स इज सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, इज सेल ऑफ स्क्रैप. ओके, तो फिर मैं इसको किधर लिखूं? फिर इसको सेल्स के अंदर तो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो सेल्स होता है जो तुम लोग यहाँ पे लिखते हो, ये वाला जो सेल, दिस इज ऑब्वियसली सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट. ओके, तो फिर मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हारा स्क्रैप किधर जनरेट होता है? फैक्ट्री के अंदर. तो यू डिडक्ट इट फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, ऑब्वियसली इट इज छोटा मोटा इनकम अगेंस्ट योर एक्सपेंस, तो आप उसको एक्सपेंसेस से लेस कर दो. सो देयरफॉर सेल ऑफ स्क्रैप जितना भी अमाउंट अपने को बेच के मिलता है, दैट विल बी रिड्यूस्ड अगेंस्ट योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा, ओके, उसके से सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर देना. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, डिस्कस द सेल ऑफ स्क्रैप इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट. तो आगे लिखो जरा प्लीज, इट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स. आगे उधर एक प्रिंटेड लाइन है, ऑल्सो रेफर ट्रीटमेंट ऑफ, लिखो नॉर्मल लॉस. बस आगे सब कुछ है इंटरेस्ट कॉस्ट, जब वो चैप्टर आएगा वी विल कम बैक टू इट. चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए प्लीज. पढ़ो, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर्ड बाय Snow White Publications in March 2016 under different elements of cost. Direct material 1100 tons at the rate of 70 per ton. वो paper pulps की story थी. आगे other miscellaneous material 300 tons at the rate of 50 per ton. तो question के ना एक से ज़्यादा material है, ठीक है. आगे direct labor
तीन टाइप ऑफ लोग काम करता है आपके प्रोडक्ट के लिए, कौन तीन टाइप ऑफ लोग? स्किल्ड मैन, सेमी स्किल्ड मैन, अनस्किल्ड मैन. वो 200 लोग हैं, वर्क फॉर 25 डेज, यू पे देम एट द रेट ऑफ 6 पर डे. वैसे ही बाकी दो का डेटा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी दिया हुआ है तो चलो है क्वेश्चन के अंदर फिर. ओके, एक स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस और एक स्पेशल डाइस. आगे वर्क्स ओवरहेड्स, वेरिएबल एट द रेट ऑफ 100% ऑफ वेजेस, फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस. ठीक है. एडमिन ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट को ऑनलाइन करो, उसके ऊपर लिखो फैक्ट्री कॉस्ट. एक मिनट, मेरे को जरा बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स का चार नाम होता है. फैक्ट्री ओवरहेड्स का चार नाम क्या होता है? फैक्ट्री, आगे प्रोडक्शन, आगे मैन्युफैक्चरिंग, आगे वर्क्स. तो ऑब्वियसली फिर तुम्हारे फैक्ट्री कॉस्ट के भी वैसे ही चार नाम हो सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है. आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एट 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर 1000 टन, सेल ऑफ वेस्ट 2000. तो यहाँ पे सेल ऑफ वेस्ट आ गया, सेल ऑफ वेस्ट आ गया. फिर उसके बाद सेल्स एट द रेट ऑफ 400 पर टन. ठीक है, चलो. अच्छा, अभी इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनना, वैसे भी कॉमन सेंस है सर, क्वेश्चन के अंदर ना सेल ऑफ वेस्ट आएगा. उससे पहले मेरे को जरा बोलो, कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बना, कितना यूनिट्स या कितना टन्स बोल सकते हो? आई एम ऑल ओके विद दैट. बोलो 1000. ठीक है, तो 1000 टन्स. मेरी तरफ देखो, टन्स इज वेट ऑफ अ प्रोडक्ट नो, टन मतलब वेट ऑफ अ प्रोडक्ट नो. तो जरा ये देखो, इस सम के अंदर तुम लोगों ने रॉ मटेरियल कितना खाया? एक पेपर पल्प 1000 टन का खाया, एक अदर मिसलेनियस 300 टन का खाया, तो टोटली 1400 टन का माल तो खाया. ओके, लेकिन तेरा पेपर सिर्फ कितना बना? 1000 टन, मतलब 400 टन्स मस्ट बी स्क्रैप्ड नो. वो 400 टन बेच के सेकंड लास्ट लाइन के ऊपर चेक करो, अपने को भंगार वाले से, जो रद्दी वाला था या फिर वो जो भी था जो अपना स्क्रैप परचेज करता है, उससे कितना रुपीज मिल गया? 2000. तो यहाँ पे सेल ऑफ वेस्ट वैसे भी आना चाहिए था, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनपुट क्वांटिटी एंड द आउटपुट क्वांटिटी. सबको समझ में आता है? अच्छा, एक और चीज इस क्वेश्चन के नाम, मेरे को फिर से जरा बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स कितने टन का था? बोलो 1000. लेकिन इस सम के अंदर ना आपको फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो इतना तुम लोग को अभी समझ में आ जाएगा इन दिस केस कि अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक है ही नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है. अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा तो कैन वी से क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड विल ऑलवेज बिकम इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड? नो यार. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना है? 1000. तो क्वांटिटी सोल्ड भी कितना हो जाएगा? 1000. सबको समझ में आता है? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी सोल्ड विल बी द सेम थिंग, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं है. एवरीबडी इज ओके विद दैट? नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो यहाँ पे आपको वो वर्किंग नोट वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं वो पढ़ने वाली, क्योंकि कुछ भी मिसिंग फिगर ही नहीं है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. गिव द हेडिंग प्लीज. हेडिंग दो. कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ March 2016. Just so. तुम लोग 5 मिनट के बाद स्टार्ट करो, हर एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यू विल फिनिश इट ऑफ. इट्स जस्ट लिस्टिंग ऑल द थिंग्स जो सम के अंदर है. स्क्रीन पर देखते रहो, जब मैं बोलूँ तभी स्टार्ट करना, उससे पहले नहीं स्टार्ट करना. तो सबसे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखने वाला हूँ, तुम लोग नहीं लिखने वाले हो. सुनो, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड. इस सम के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो रॉ मटीरियल के भी स्टॉक नहीं है, तो जो भी परचेज किया, कंज्यूम किया, सब सेम है. लेकिन क्वेश्चन के अंदर दो टाइप ऑफ मटीरियल्स हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर पल्प्स, तुम लोग फुल फॉर्म वो लिखने वाले हो थोड़ी देर के बाद, अभी मत स्टार्ट करो. मेरे को जरा बोलो, कितना टन ऑफ पेपर पल्प्स कंज्यूम किया? 1100. ओके, एट व्हाट पर्टिकुलर एज? 70. ओके, तो दिस विल बी इन द इनर कॉलम. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा
other miscellaneous materials. Okay, so that will be nothing but 300 tons at the rate of 50 per ton. ठीक है, तो ये वाला चीज आ जाएगा, ये आ जाएगा divide by quantity produced. आपका quantity produced कितना था? 1000. बोलो 1000. तो वैसे यहाँ पे quantity produced, quantity sold same ही है. Okay, सुन, एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद direct labor आ जाएगा. रुको रुको रुको. तो यहाँ पे आ जाएगा skilled man, यहाँ पे आ जाएगा सेमी स्किल्ड मैन, यहाँ पे आ जाएगा अनस्किल्ड मैन. मेरे को बोलो कितने स्किल्ड वर्कर्स थे आपके पास? 200. हर बंदे ने कितने दिन काम किया? 25. वी पेड देम एट व्हाट पर्टिकुलर रेट? 6 rupees. दिस विल बी अमाउंट पेड टू स्किल्ड, दिस विल बी अमाउंट पेड टू सेमी स्किल्ड, दिस विल बी अमाउंट पेड टू अनस्किल्ड. ठीक है, तुम्हारा ये भी काम हो जाएगा. थर्ड पर्टिकुलर काम तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, और उसके बाद स्पेशल डाइज. ओके, इनर कॉलम टोटल ओवर हियर. इस क्वेश्चन के ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो भूल मत जाना प्लीज, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस के ना नहीं था. ठीक है, दिस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट. ओके, दैट इज वन थिंग. उसके बाद एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स का सम ने वर्क्स ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसका दो हिस्सा डाला हुआ है. कौन सा दो हिस्सा बेटा? एक वेरिएबल, और इन दिस पर्टिकुलर केस दूसरा हिस्सा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिक्स्ड. ठीक है, लेकिन सुनो एक चीज़ भूल मत जाना, जिसके लिए पिछला वाला क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे आपको क्या लेस करना पड़ेगा? सेल ऑफ स्क्रैप. ठीक है, वेरिएबल वाला जरा पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है. इट इज 100% ऑफ वेजेस. एक मिनट, क्या इसे वेजेस का टोटल इधर था तुम्हारे पास? उसका 100% मतलब सेम फिगर ना यार. ओके, उसके बाद फिक्स्ड वाला जरा चेक करो. इट इज 50% ऑफ वेजेस. तो जितना भी ये वाला वेजेस था उसका 50% इधर ले देना. ठीक है, लास्टली स्क्रैप बेच के कितना रुपीस जमा हो गया बेटा? 2000. सो देयरफॉर वो वाला अमाउंट आप लोग लेस कर देना. एक बार ये वाला काम कर दोगे, इसको वैसे तुम लोग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचोगे तो इस क्वेश्चन के ना ध्यान से देखना, WIP स्टॉक्स हैं क्या? देखते रहो इस क्वेश्चन के ना, WIP स्टॉक्स हैं? नहीं, तो आप इसी चीज़ को अभी डायरेक्टली ग्रॉस और नेट वर्ड ही मत यूज़ करो, क्योंकि वैसे भी WIP स्टॉक नहीं है. तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट. ओके, ये मैं इसलिए बोला क्योंकि नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडमिन ओवरहेड्स. टेक्स्ट बुक के ना जरा चेक करो, एडमिन ओवरहेड्स का रेट कितना दिया हुआ है? 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. ओके, तो जितना भी ये वर्क्स कॉस्ट था उसका 10% इधर डाल देना. दिस विल स्टार्ट टू गिव यू एडमिन ओवरहेड्स. ओके, दिस विल गिव यू COP. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड्स का भी स्टॉक नहीं है, क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी सोल्ड सेम. नो, तो ये वाला चीज खुद ब खुद क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, वंस यू डू दैट एंटायर थिंग एज सच. ओके, तो यहां तक तुम लोग वो पहुंच जाओगे. उसके बाद यहां पर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? S&D ओवरहेड्स. S&D ओवरहेड्स इन दिस पर्टिकुलर केस, देखो क्वेश्चन के ना कैसे दिया हुआ है. सर, इट इज 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट बोले तो फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, उसका 20% जो है इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट फिगर विल कम ओवर हियर. ठीक है, बस एक बार ये भी हो जाएगा, दिस विल फाइनली गिव यू कॉस्ट ऑफ सेल्स. इस सम के ना सेल्स मिल सकता है, सो देयरफॉर ऐड प्रॉफिट गेट सेल्स ओवर हियर. ओके, सो देयरफॉर इन दिस केस जब ही सेल्स आएगा तभी सम के ना जरा चेक करो, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस बोलो 400 पर टन. मेरे को बोलो कितना यूनिट्स बेचा है? 1000. सो 400 इंटू 1000 सेल्स कितने रुपीज का हो जाएगा? 4 lakhs. ओके, एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. सब लोगों से हो जाएगा? हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस से हो जाएगा. ओके, कितना टाइम लोगे? अभी तुम लोग को ही वो पूछना पड़ेगा. बोलो 12 मिनट. ठीक है, मैं 14 मिनट देता हूँ, 14 मिनट के ना सम खत्म करो. चलो,
तुम्हारा प्रॉफिट 31,937.5 अभी तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। चलो सो अब द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए प्लीज। उसका एक पार्ट इज स्लाइटली सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट यू डिड, ओके, अदर पार्ट नॉट सिमिलर, दैट पार्ट आई विल टेक केयर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 यू विल बी डूइंग, चलिए तो पढ़िए पहले। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड furnishes the following information for 10,000 color TV tubes manufactured during the year 2016. ठीक है, materials मतलब direct materials 90,000, wages factory wages मतलब direct wages only यार 60,000। अभी इसके बाद तुम लोगों को classify करना पड़ेगा कि हर एक expense किधर आएगा। power and consumable stores 12,000 किधर आ जाएगा, फैक्ट्री वगैरह। एक मिनट, वैसे तुमको बस डिफरेंशिएट कर देता हूँ अगर वो दोनों चीज़ों का मतलब नहीं मालूम है तो। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू रन द मशीन, दैट इज पावर कॉस्ट। कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब समथिंग लाइक इन दिस केस कि मशीन चलाने के लिए सिर्फ फ्यूल चाहिए, कोयला चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आर कंज्यूमेबल स्टोर्स, ओके, जो कंज्यूम हो जाता है, ओके। आगे फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बोला था डायरेक्ट वर्कर्स मतलब वो वर्कर्स जो लोग प्रोडक्शन करता है, इनडायरेक्ट वर्कर्स मतलब वो वाला वर्कर लोग जो प्रोडक्शन नहीं करता, फैक्ट्री को झाड़ू मारेगा ये सब कुछ। आगे लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डिफेक्टिव वर्क कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन 3,000। मैं तो देखो मैंने कुछ गुड्स बनाया, मेरे को लगा बराबर बना, इंस्पेक्ट किया तो पता चला अच्छा क्वालिटी का नहीं बना, मैंने वर्कर लोग को बुलाया, मैंने बोला इस चीज़ को रेक्टिफाई करो, प्रोडक्ट बराबर बनना चाहिए, तो रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट कितने रुपीज़ का हुआ, 3,000। मेरे को बोलो रेक्टिफिकेशन का काम किधर किया जाएगा, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवर इट्स ऊपर लिख देना। क्लेरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 33,500, वो एडमिन हो जाएगा। आगे सेलिंग एक्सपेंसेस तो S&D हो जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन के अंदर आया था। सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बॉस, लेस फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स। आगे प्लांट मतलब मशीनरी, प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन 11,500, सो देयरफॉर ऑब्वियसली प्लांट का रिपेयर वगैरह किधर आ जाएगा, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। द नेट सेलिंग प्राइस वॉज 31.6 एंड आगे अंडरलाइन करो ऑल द यूनिट्स वर सोल्ड, तो मतलब जो भी मैंने प्रोडक्शन किया सारा का सारा बिक गया। मेरे को बोलो अगर जो भी प्रोड्यूस किया सब कुछ बिक गया तो क्या नहीं होगा, योर क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर वैसे भी नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड। आगे अगला वाला पैराग्राफ तुम लोग अभी के लिए नहीं पढ़ो, दैट आई वॉन्ट टू बी रीडिंग व्हेन आई कम टू पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, अभी के लिए पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2016 शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, चलो ठीक है। तो वो लोग क्या बोलते हैं 2016 का कॉस्ट शीट वो बना दो, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पर यूनिट भी निकाल के दे देना, तो चलो ठीक है। तो इन योर नोटबुक्स यू ऑल राइट डाउन, देखो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, ये पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन है, एग्जाम के ना एक से ज़्यादा पार्ट होगा, प्लीज लेबल ऑल द पार्ट्स इन अ प्रॉपर वे, कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हो, एग्जामिनर ढूंढता नहीं फिरेगा। लिखो पार्ट ए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 2016. नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड स्लैश सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू CTV मतलब कलर टीवी ट्यूब्स, कॉशी का फॉर्मेट बनाओ,
अच्छा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, देखो एक मिनट के लिए वेट कर लो, देन यू ऑल कैन स्टार्ट, क्योंकि पार्ट ए बहुत इजी है. सुनो मेरी बात. डायरेक्ट मटेरियल इन द आउटर कॉलम 90,000 पीस दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 10,000 कलर टीवी ट्यूब्स, तो पर यूनिट 9 आ जाएगा. सेम वे डायरेक्ट वेजेस जो है 60,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ओके, डिवाइड बाई 10,000 तो पर यूनिट मिल जाएगा. तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट, ओके, प्लस इन दिस केस फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होगा, एक एक करके एक्सपेंसेस लिख देना, एक एक करके मतलब पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, ओके, आगे फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, उसके बाद लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, उसके बाद डिफेक्टिव वर्क, ओके, उसके बाद लास्ट लाइन पे एक और चीज़ था, प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ये सब कुछ इनर कॉलम के अंदर, लेकिन एक चीज़ भूलना मत, लेस करना, क्या बॉस, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है. तो ऑल दीज पर्टिकुलर फिगर्स विल बी कमिंग इन द इनर कॉलम, ओके, ये वाला चीज़ लेस करके दिस विल बी योर फाइनल फिगर. बस एक बार ये वाला काम कर दोगे, यहाँ पर भी कोई डब्ल्यू आई पी स्टॉक नहीं है, तो इस चीज़ को डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट. सम के ना सरा ध्यान से देखो, एडमिन वाले कितने एक्सपेंसेस हैं, देखो सरा एक बार, एडमिन वाले क्वेश्चन के अंदर कितने एक्सपेंसेस तुम लोगों ने मार्क किए हुए हैं, एक ही है, तो इसलिए अभी लिस्ट वगैरह मत लिखो, अभी एक ही एक्सपेंस होएगा, दैट विल डायरेक्टली कम नो, ओके, तो इसलिए 33,500 देखो मिला क्या, 33,500 विल डायरेक्टली कम ओवर देयर, ठीक है. एक बार ये हो जाएगा, दिस विल गिव यू सी ओ पी, आप लोग इसको सी ओ जी एस भी बोल सकते हो, क्योंकि सम के ना फिनिश उसका स्टॉक नहीं है, ठीक है. उसके बाद एंड एस एन डी, देखो एस एन डी वाले कितने खर्चे हैं क्वेश्चन के अंदर, एक ही खर्चा है, तो मेरे ख्याल से वो वाला फिगर डायरेक्टली लिख सकते हो, 5,500 सबको मिल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ. बस एक बार ये वाला काम कर लेगा, दिस विल बी गिविंग यू योर सेकेंड लास्ट थिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट गेट सेल्स, ओके. सम के ना पहले मेरे को बताओ सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 31.6, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो तुम्हारा सेल्स कितने रुपीज़ का हो जाएगा, 3,16,000. बस वंस यू डू दैट, योर प्रॉफिट फिगर विल बी अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है. इतना कंप्लीट कर लो, ओके, उसके बाद फिर पार्ट टू सॉल्व करते हैं. तुमको 10 मिनट देता हूँ इस चीज़ के लिए, 10 मिनट के अंदर ख़त्म करना, प्लीज़ ट्राई टू बीट द टाइम.
प्रॉफिट कितना आता है बोलो? 82,000. ठीक है सर, तो प्रॉफिट इज 82,000. ओके सर, अभी व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, देखो ये जो क्वेश्चन है किस चीज़ के बारे में, आपको एक साल का डेटा दिया हुआ है और अभी आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ना कुछ प्रिडिक्शन देंगे कि नेक्स्ट ईयर ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये ऐसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा. ओके तो उसके हिसाब से आपको नया कॉस्ट शीट बनाना है. दैट बी अ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर वो बोलेंगे, इट्स अ बजटेड कॉस्ट शीट. क्या बोलेंगे? बजटेड मतलब एस्टिमेटेड होता है. ओके तो अभी जो चीज़ नहीं पढ़ा सिर्फ उतना ही चीज़ पढ़ रहा हूँ. लास्ट पैराग्राफ, एज फ्रॉम 1st of January 2017. मेरे को बोलो जो अभी तक डेटा था कौन से साल का था बेटा? 16. तो 2017 से क्या होने वाला है? सेलिंग प्राइस इज टू बी रिड्यूस टू 31 पर यूनिट. पहले कितना था? 31.6, अभी 31 हो जाएगा. ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज इन 2017 बाई 50% ड्यू टू स्पेयर कैपेसिटी. तो बोलो क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा प्रोडक्शन 50% से बढ़ सकता है. ठीक है, तो एक सेकेंड, प्रोडक्शन 50% से बढ़ सकता है. पिछले साल कितना यूनिट्स बनाया था? 10,000. इस साल कितना बनाएंगे? 15,000. 50% ज़्यादा ना. अगे रेट्स फॉर मटीरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विल इंक्रीज बाई, क्या लिखा हुआ है? 10%. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू, पार्ट ए हो चुका है. पार्ट बी, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 2017. Assuming 15,000 units will be produced and sold. 15,000 कैसे आते हैं वो सबको मालूम है अभी. And factory overheads, ये लाइन अंडरलाइन करो, factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages and office and selling expenses as a percentage of works cost. ठीक है, बस basically इसी चीज़ के लिए सम कर रहा हूँ. ठीक है, देखो अभी अपने को क्या करना है, नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट बनाना है. ठीक है, तो तुम लोग जरा लिखो पार्ट बी राइट डाउन. लिखो एस्टिमेटेड और बजटेड कॉस्ट शीट. For the year 2017. Next NP, budgeted quantity to be produced and sold. Is equal to 15,000. चलो अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाइए. अच्छा सर, लिखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट. अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद चार लाइन छोड़ दो. तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लिखो एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. चार लाइन छोड़ो. तो तुम लोगों को मिल जाएगा COP/COGS
एट एसएनडी, चार लाइन छोड़ो, बस कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट गेट सेल्स. उन लोगों ने मेरे को लास्ट पैराग्राफ के अंदर जरा देखो क्या दिया. 2017 के अंदर बेटा सेलिंग प्राइस कितने रुपीस का हो चुका है? 31. कैलसी पे 31 दो इनटू, मेरे को बोलो अभी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचेगा बेटा? 15,000 मल्टीप्लाई करो 4,65,000. ये हो गया तुम्हारा सेल्स वाला फिगर, ठीक है. अब ऐसे जरा सोचो, जो आपका सेकेंड लास्ट, सॉरी जो आपका लास्ट पैराग्राफ था उसके अंदर ना इंस्टेड ऑफ 2.5 लाइन सिर्फ इतना ही दिया हुआ था. इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज इन 2017 बाय 50% ड्यू टू स्पेयर का. सपोज और कोई भी चेंज नहीं था, ना पीछे कुछ दिया है ना आगे कुछ दिया है, ठीक है. ओनली डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर एंड द करंट ईयर, पिछले साल कितने यूनिट्स बने थे? 10,000, और इस साल कितने बने? 15, ठीक है. सपोज अगर और कुछ भी चेंज नहीं हुआ रहता, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ रहता, तो मेरे को सोच समझ के बोलना. मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस वो पूछता है, तुमको मालूम नहीं होगा आई एम रैंकर एट ऑल द लेवल्स, ओके. तो इसके लिए मैं बहुत अक्कल वाला है, ओके. सुनो मेरे को बोलो, मैं इधर से 90,000 कॉपी करूँ कि इधर से 9 पर यूनिट कॉपी करो? अगर मेरे को इस साल के लिए कुछ नहीं दिया रहता तो मेरे को पिछले साल का कोई ना कोई फिगर तो कॉपी करना पड़ता. मेरे को बोलो 90,000 कॉपी करूँ कि 9 कॉपी करूँ? ये मैंने बोला सर दोनों कॉपी कर लो, ओके. दोनों कॉपी नहीं कर सकते, क्वांटिटी हैज चेंज. नो, अगर इधर 90,000 कॉपी करेगा तो 90,000 को 15,000, इस बार का जो क्वांटिटी है वो 15,000 है ना यार, फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ओके. तो फिर यहाँ पर कुछ और आएगा. और अगर तुम लोग बोलते हो नहीं सर आप ना एक काम जरा करो आप 9 कॉपी करो, तो फिर 9 को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15,000 से, फिर यहाँ पर 90,000 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, ठीक है. तो मेरे को बोलो 90,000 कॉपी करूँ कि 9 रुपीज़ कॉपी करूँ, दोनों में से क्या कॉपी करूँ? अभी दो ही ऑप्शन है, या 90,000 या 9 रुपीज़. मेरे को बोलो दोनों के अंदर से क्या कॉपी करूँ? क्यों? ओके, तू बोल 90,000 क्यों? हाँ तो टोटल अमाउंट विल रिमेन सेम होनी, ठीक है. तुम्हारे बैच में 100 बच्चे लोग हैं, अगर 200 बच्चे लोग आएंगे तो भी बुक्स का कॉस्ट मेरा सेम रहेगा. ये कौन सा कॉस्ट है बेटा बोलो मेरे को? डायरेक्ट मटेरियल. एग्जांपल के तौर पे सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस, सपोज मैं टी शर्ट्स बनाता है, एक टी शर्ट के लिए मेरे को कपड़ा चाहिए दैट कॉस्ट 100 रुपीज़, ठीक है. एक टी शर्ट बनाएगा 100 रुपये का खर्चा. मैंने सपोज पिछले साल 10,000 टी शर्ट्स बनाया था, तो मेरा पिछले साल का खर्चा विल बी 10,000 × 100 रुपया, ठीक है. मैंने इस साल सपोज 15,000 टी शर्ट्स बनाएगा, मेरे को बोलो क्या मेरा कपड़े का कॉस्ट वही रहेगा? मेरा कपड़े का कॉस्ट पर यूनिट वही रहेगा, लेकिन ओवरऑल तो इट विल चेंज. नो, दिस इज विच कॉस्ट वॉज डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल इज डायरेक्टली इनकर्ड फॉर एवरी यूनिट. नो, एक यूनिट बनाएगा तो कुछ खर्चा होएगा, अगर और यूनिट्स बनाता रहेगा फिर से खर्चा. कल हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल को डिफाइन भी वैसे किया था, इट इज दैट पर्टिकुलर कॉस्ट विच इज fully proportional to the units that you, if your production has increased by 50%, obviously this cost will also be rising by 50%. It is variable cost. Variable cost का मतलब क्या होता है? वो हर unit के लिए लगता है. तो tomorrow if units will change, this cost will also be changing. No, तुम्हारी क्लास में इतने benches हैं, अगर एक और bench बनवाएगा wood का खर्चा फिर से उसके लिए भी तो होएगा ना यार. तो मेरे को जरा बोलो 90,000 copy करता कि 9 copy करता?
नहीं तुम लोग नहीं लिखना. ओके सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट मतलब हर यूनिट के लिए लगता है, तो ऑब्वियसली अगर और यूनिट बनाएगा तो और बार ये वाला खर्चा हो ही जाएगा. ओके अच्छा तुम एक बार जरा बोलो, डायरेक्ट लेबर 60,000 कॉपी करता कि 6 कॉपी करता? 6. कैसे मालूम तुमको? कैसे मालूम 60,000 कॉपी करता कि 6 कॉपी करता? 6. क्यों 6? क्योंकि वो कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है. हर यूनिट के लिए कितना रुपीस लगने वाला है? 6 रुपी. पिछले साल हर यूनिट के लिए 6 रुपए लगता था, कुछ नहीं बोला. इस साल भी हर यूनिट के लिए 6 रुपया ही लगेगा, लेकिन टोटल कॉस्ट विल चेंज. नो, टोटल कॉस्ट विल चेंज बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स हैज चेंज. तुमको समझ में आता है? बस अबाउट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, आई कैन टेल यू, यू हैव टू बी डूइंग दिस. फॉर ओवरहेड्स आई कैन नॉट टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ओवरहेड्स कुछ भी टाइप का हो ही सकता है. तो ओवरहेड्स के लिए वो लोग हमेशा आपको सम के ना इंस्ट्रक्शन देगा कि ओवरहेड्स के लिए चेंज कैसे होने वाला है, कुछ ना कुछ वो लोग बोल ही देगा. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट. सुन, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कुछ नहीं बोला होता, 9 और 6 कॉपी किया रहता इस सम के अंदर, तो बोल भी दिया है. पढ़ो, रेट्स फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विल बी इंक्रीजिंग बाय कितना परसेंट? 10%. स्टूपिड क्वेश्चन, तीसरी बार वो पूछ रहा हूँ. मेरे को बोलो समथिंग विल इंक्रीज बाय 10%, पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10% के टोटल विल इंक्रीज बाय 10% पर यूनिट. तुमको कैसे मालूम? क्योंकि इट इज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज ऑन पर यूनिट बेसिस. नो, इफ आई टेल यू माई बुक्स का कॉस्ट हैव रिजन बाय 5% इन दिस ईयर, मतलब पर बुक विल बी कॉस्टिंग मी 5% मोर. नो, समझ में आता है? सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस, यहां पर पिछले साल 9 था, अभी लिखो 9.9, 10% से बढ़ गया. डायरेक्ट वर्ड का ही मतलब वो होता है इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. मेरे को बोलो अभी किससे मल्टीप्लाई करता है? 15,000. करो मल्टीप्लाई, 1,48,500. आगे डायरेक्ट लेबर will rise by 10%. तो 6 को 10% से बढ़ाऊं के 60,000 को? 6 को. कैसे मालूम? वो पर यूनिट कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है. 99,000 आता है. अच्छा सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट लाइन दिया हुआ है, लास्ट टू लाइंस ध्यान से पढ़ना. ओवरहेड्स के लिए वो लोग आपको कुछ ना कुछ तो बताएगा, उन लोगों ने बताया हुआ है. फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, जोर से पढ़ो क्या लिखा है. फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ो, विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो वो लोग क्या बोलता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का, स्क्रीन पे देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट वेजेस के साथ कुछ एक परसेंटेज का रिलेशनशिप है. ओके तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक सेकेंड ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट वेजेस के साथ कुछ एक ताल्लुक है, कुछ एक परसेंटेज ताल्लुक है. ठीक है, तो इधर फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा, उसका किसके साथ एक रिलेशनशिप है? डायरेक्ट वेजेस का. ओके लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, वो वाला परसेंटेज तुमको इधर से तो निकाल के नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर ये वाली फिगर ही नहीं है. तो एक काम जरा करो, पिछली वाली कॉस्ट शीट में जाओ. पिछली वाली कॉस्ट शीट के अंदर मेरे को जरा बोलो, तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स जो था कितने रुपीज का था? बोलो मेरे को. हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने रुपीज का था? 45,000. 1,95,000 क्या था? फैक्ट्री कॉस्ट. नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. तो ये चीज जो था 45 का था. डायरेक्ट वेजेस जो था कितने रुपीस का था? 60,000. अगर कोई तुम लोगों को परसेंटेज पूछता, 45,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इनटू 100. ओके तो परसेंटेज जरा निकालो, 45,000 अपॉन 60,000 इनटू 100 कितना आ जाता है? 75%. अभी वो लोग क्या बोलता है, ये वाला परसेंटेज 75% ही रहना चाहिए. ठीक है, तो अगर मेरे को इस साल भी 75% ही रखने का है तो एक काम जरा करो, कैलसी पर 99,000 लो.
उसका 75% मारो, 74,250. तुमको आंसर समझ में आ गया? सो देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स का ताल्लुक किस चीज के साथ है? डायरेक्ट वेजेस. ओके, तो उसका एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का है. वो रिलेशनशिप कितना था? 75%. वो 75% निकाल लो, पिछले साल से इस साल अप्लाई कर लो, आंसर हो गया. दिस इज फर्स्ट वे. सेकेंड वे कॉमन सेंस है. तुमको ऐसा भी बोल सकता है, सर फैक्ट्री ओवरहेड्स इज रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिश्ता डायरेक्ट वेजेस के साथ है, बराबर. तो उसका मतलब क्या है? जो डायरेक्ट वेजेस के साथ होएगा वही फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ भी होएगा. पिछले साल डायरेक्ट वेजेस तुम्हारा 6 रुपए का था, इस साल कितने परसेंट से बढ़ गया था? 10%. तो जो डायरेक्ट वेजेस के साथ होएगा वही फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ भी होएगा. तो पिछले साल तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट कितना था? तुम लोगों ने पर यूनिट तो वो बढ़ाया ना, तुम्हारा पर यूनिट कितना था? 4.5. कैलसिलो, इसको भी 10% से बढ़ा दो. 4.5 प्लस 10% कितना आ जाएगा? 4.95. तो इस साल ये वाला फिगर कितना हो जाएगा? 4.95. कैलसिलो, 4.95 पर यूनिट है ना, इनटू इस साल कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 15,000. मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आता है 74,250. लेकिन ना मैं तुमको वो लिखवाऊंगा ना मैं तुमको ये लिखवाऊंगा, मेरी मर्जी. ओके, मैं तुमको कुछ और लिखवाता हूँ. फैक्ट्री ओवरहेड्स इज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ऐसे भी तो सोच सकते हैं, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट वेजेस का एक रिश्ता है. ओके, रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप को यूज करते हैं. 2016-2017 पिछले साल तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस कितने रुपीस का था? 60,000. तो पिछले साल स्क्रीन पे जरा देखो, तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने रुपीस का था? 45,000. तो वो लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिश्ता डायरेक्ट वेजेस के साथ है. जितना डायरेक्ट वेजेस बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा. इस साल तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस कितने रुपीस का हो गया? 99,000. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम लोगों को वही आंसर मिल जाएगा, 74,250 फॉर द थर्ड टाइम ऑल्सो. ओके, आई एम गिविंग यू दिस पर्टिकुलर मेथड. ये लिखो प्लीज, तुम लोगों ने जो 4 लाइन वो छोड़ा था उधर लिखो. पर यूनिट भी निकाल देना, वो 4.95 ही आएगा, हम लोग बात कर चुका है. ऐड अप करो, फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचो. अच्छा, मेरे को टोटल बोलो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया बॉस? 321,750 और पर यूनिट 21.45. अच्छा सुनो, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिश्ता डायरेक्ट वेजेस के साथ था, वैसे लास्ट लाइन सम का रिक्वायर्ड पार्ट का घूर घूर के पढ़ो. एडमिन और एसएनडी का रिश्ता किसके साथ है? पढ़ो उधर क्या लिखा है. एन ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसिस एज अ परसेंटेज ऑफ, चिल्ला के बोलो, वर्क्स कॉस्ट. ओके, सो देयरफॉर वर्क्स कॉस्ट इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, तो एडमिन का रिश्ता किस चीज के साथ है? वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं फैक्ट्री कॉस्ट. ऐसे जरा लिखो, कैलकुलेशन कंप्लीट करो. चलो एडमिन पिछले साल कितना था? 33,500. तो तभी फैक्ट्री कॉस्ट कितना था? 1,95,000. अभी
फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया 321,750, तो ये कितना हो जाएगा 55,275. S&D का भी रिश्ता फैक्ट्री कॉस्ट के साथ है, वो लिख लो. प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर निकालो. चलो जल्दी करो. कॉस्ट खत्म कर लेना, प्रॉफिट निकाल लो. कितना आता है 78. ऐसे नहीं, कितना आता है 9,075 ना. ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर एक बॉक्स है क्वेश्चन 6 के नीचे, वहां पे आप लोग लिखिए. राइट डाउन डीएम एंड डीएल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट. That is variable cost. Full stop. Therefore, they will always change. On per unit basis. Comma, unless and until given otherwise. Unless and until given otherwise. Full stop. For finding overheads, comma, information will be given in the problem. Bye.